आज पूरा भारत लॉसूट बनने वाला है। चिप्स में पाम ऑयल, बिस्किट में पाम ऑयल, नूडल्स में पाम ऑयल, ब्रेड में भी पाम ऑयल, चॉकलेट में पाम ऑयल, नमकीन में पाम ऑयल, आइसक्रीम में भी पाम ऑयल। क्लासिक सॉल्टेड लेज और प्रिंगल्स यूएस में भी मिलते हैं, लेकिन यूएस में पाम ऑयल नहीं यूज करते, लेकिन भारत में पाम ऑयल यूज करते हैं। ज्यादातर फास्ट फूड चेन्स भी यूएस में पाम ऑयल नहीं यूज करते, लेकिन इंडिया में पाम ऑयल यूज करते हैं। टूथपेस्ट, साबुन, लिपस्टिक में भी पाम ऑयल। पाम ऑयल तेलों का फरहान अख्तर है, सब कुछ करता है। 1990 तक भारत एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर था, लेकिन केवल 30 साल में आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर हो गया है। हम हर एक साल 50,000 करोड़ का पाम ऑयल दूसरे देशों से खरीदते हैं। भारत में 50% से ज्यादा हार्ट अटैक 50 से कम उम्र के लोगों को हो रहा है, और इसका छुपा हुआ एक कारण है पाम ऑयल। दिलों के बीमारियों के अलावा पाम ऑयल वातावरण और जानवरों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। इन सब प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन खाने वाला पाम ऑयल हम इन दो तरीकों से कम कर सकते हैं। तरीका एक, कोई भी प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। इंग्रेडिएंट लिस्ट वेट के हिसाब से लिखी जाती है, यानी जो ज्यादा है वो पहले आता है और जो कम है वो बाद में आता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट में पाम ऑयल पहले 3 इंग्रेडिएंट में है, तो उसमें बहुत पाम ऑयल है और आप उसे महीने में 1 से 2 बार से ज्यादा ना इस्तेमाल करें। पाम ऑयल के कई नाम है, लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देना है। तरीका दो, केला, अमरूद, खीरा, मूढ़ी, खोई, चना, मूंगफली, मखाना, खजूर, किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब में पाम ऑयल नहीं है, इसको मस्त खाइए। आओ साथ में मिलकर भारत का इंपोर्ट हम कम कराते हैं, अपनी सेहत को बचाते हैं और वातावरण और जानवरों का भी थोड़ा मदद कर लेते हैं। शेयर कीजिए।